देश की अदालतों में करीब 5 करोड़ मामले लंबित हैं और इन मामलों का निपटारा करने के लिए अदालतों के साल में कम से कम 300 दिन काम करना चाहिए। ये कहना है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का। विवेक तन्खा ने न्यायपालिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश की अदालतों में कई लंबित मामले हैं जिन्हें कम करना बहुत जरूरी हो गया है और लंबित मामलों के निपटारे के लिए अदालतों को साल में 300 दिन काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायाधीश छुट्टी पर जा सकते हैं लेकिन अदालतों में काम जारी रहे। इसी तरह से हम 5 करोड़ लंबित मामलों को निपटा सकते हैं। विवेक तन्खा ने इस बात का भी विरोध जताया कि पूरी अदालत के स्टाफ की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा न्यायाधीश छुट्टी पर जा सकते हैं लेकिन अदालतें नहीं। अदालतों में लंबित मामलों को लेकर पहले भी कई नेता चिंता व्यक्त कर चुके हैं। इस साल मार्च में केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि देश की विभिन्न अदालतों में 4,70,00,000 से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट में इस साल 2 मार्च तक 70,154 मामले लंबित थे। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने लिखित जवाब में कहा था कि 25 उच्च न्यायालयों में 21 मार्च तक 58,94,060 मामले लंबित थे। लंबित मामलों के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में कमी आने की संभावना है लेकिन असली चुनौती निचली अदालतों में है।